कल पाकिस्तान ने तीस ओवरों में तीस ओवरों में सत्तर रन मारे थे कल पाकिस्तान ने तीस ओवरों में सत्तर ओवरों में और इंग्लैंड दस ओवरों में मार गया यार स्पिन हो रही है बोल बस मुझे ये बता दो कि आज जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का ये सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है हम सब देख रहे हैं इसको हम कल से लगे वैसे इस विकेट के ऊपर बड़ा स्पिन हो रहा है हमने देखा भी जैक लीच का बोल हमने स्पिन होते हुए देखा शानदार उसने बोलिंग की अब उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है स्वीप शॉट की भी और स्क्वेयर लग पे कौन सी जाएगी फाइन लग पे कौन सी जाएगी स्ट्रेच करके कौन सी मारनी है फिर रिवर्स कौन सी खेल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दिस वी नो यू नो वी ऑल नो पाकिस्तानी देयर मैनेजमेंट देयर पॉलिसी मेकर्स हर किसी को पता है कि डकेट कैसे खेलेगा लेकिन अब पता नहीं उस बंदे की ब्रिलियंस है या हमारी जो है बेबसी है ये क्या है कि वो रुकता नहीं है भाई साहब यही तो ये बैस बॉल और ने, और स्टोक्स ने, और बेंडन मकेलम ने, और जैक ने 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 स्टोक्स जैक नहीं 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 जो रूट ने, नहीं, ब्रूक एनर्जी डाली इंग्लैंड में घबराते नहीं, नहीं है स्पिन से इनके सामने भाई साहब बॉल अगर तो शार्प टर्न या तो आप रविचंद्रन अश्विन हो या तो आप जडेजा हो या तो आप मुरलीधरन हो या तो फिर आप राशिद खान हो तो भाई आपको अगर आधी स्पिन विकेट भी मिल जाए तो भाई साहब आप फिर

मतलब उस डकिट ने बजा बजा के मार मार के स्वीप मार मार के मतलब पाकिस्तान की डकिट पे मैं कहता हूं उसने चौके मारे हैं डकिट ने बजा दिया पकड़ के पाकिस्तान को इन घंटों से ना कैच पकड़े जा रहे हैं ना इन घंटों से रनआउट हो रहे हैं एक खान है बंदर की वाला वो खुदर कैच नहीं वो आउट मिस कर रहा है

पाकिस्तान ने 16-17 ओवर किए हैं इसके अंदर कोई आपको ऐसा स्वीप, स्वीप खेल रहे है। जैक करोली का एक बंदे डाले हुए पीछे डीप में फिर भी वो ऐसे गैप ढूंढता है के जैसे के बिल्कुल बच्चों का खेल है छोटा सा पांच फुट का है वो और वो उसने इनको घुमा के रखा हुआ रोक लो भाई रोक सकते हो तो रोक लो हम तो नहीं रुकेंगे तो वो स्वीपें मार मार के मार मार के बुरा हाल करता है इनका दो साल पहले जब आए थे तब भी वो ऐसे स्वीपों में स्वीपे मार रहा था अभी आया है तो तब भी वही जहां से सिलसिला जुड़ा है और वो रुकता नहीं है और इनसे रोका भी नहीं जाता अगर आप नुमान अली हो जिन्होंने एक साल पहले रेडबॉल का गेम खेला था अगर आप साजिद खान हो जिन्होंने जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रेडबॉल गेम खेला था तो भाई साहब फिर तो आप इनको तंग नहीं कर सकते क्योंकि जितने फास्ट बॉलर को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है

ओए घंटे गए घंटे गए घंटक वो तूने पहले हाथ मार दिया हुआ था ये प्रोफेशनल है ये प्रोफेशनल टीम है ये प्रोफेशनल साइड है इनको रन आउट ही नहीं पता किस तरह करना है इनको रन आउट ही नहीं पता किस तरह करना और दूसरी दूसरा ब्लेंडर सुनो और दूसरा सुनो वो लिपस्टिक नहीं वो लिपस्टिक वाइट लिपस्टिक वो एक्टर मौलवी वो जैक जैक्रोरिन इस बॉल पे आउट हुआ ना वो आउट था मैं भी इधर बाहर बैठ के कह रहा हूं क्या हुआ मुझे भी बात आई है जो जो बंदा देख रहा था ना उसको पता है हुआ है बहुत क्लोज था बैट और बॉल का आज तो हुआ है। वो लिपस्टिक का ब्लर वो शान मसूद को कह रहा है कोई नहीं लगा कोई नहीं लगा इधर ही ये घंटे का किंग बाबर आजम होता ना इसने कहना था लगा है इसने कहना था लगा है इसने बाबर को कह था बाबर रिव्यू ले ठीक है अब वो शान मसूद कप्तान है तो शान मसूद को बदनाम करना है ताकि बाबर आजम किसी तरह टीम में वापस आ जाए तो वो बोला नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा आप सभी मेरी पास सैग्री करो लिपस्टिक वाला ये लिपस्टिकर ये चमकीली बांदरी ये चमकीला रिजवान है ना भी लगाओ कुछ भी ना हो तो ऐमही पता रिव्यू ले लेता है ऐमही रिव्यू रिव्यू के लिए वादे उठा देता है का का इतना बड़ा एज हुआ रिजवान को पता ही नहीं चला वो तो अगर सलमान अली आगा आवाज ना उठाता को बोल, को सपोर्ट ना करता तो 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 कप्तान ने रिव्यू तो लेना ही था मेरा तो शान मसूद मशवरा कि कभी भी रिजवान की बातों में ना आना रिजवान तो कंफर्म होकर कह रहा बिल्कुल आवाज नहीं आई रिजवान कह रहा नहीं है एक विकेट कीपर सबसे करीब होता है बोल के सलमान अली आगा को सुनाई दे गया बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है उसको सुनाई देगी एच की आवाज विकेट कीपर को नहीं आई और वो कह रहा नहीं हुआ वो तो शान मसूद को दाद देनी पड़ेगी कि उसको यकीन था सलमान के ऊपर कि मारना भरता बना देना था डकेट जो है उसने अपनी फैन बेस बनाई हुई है और वो हर बारी में इंडिया में बहुत बड़ी बारियां नहीं खेली लेकिन ग्लिम्स उसने थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं दिखाए वो ही खेलता है लेकिन कहीं ना कहीं

ऐसा कोई थपड़ थप्पड़ में वो दोनों स्टंप्स भी गिरा दी फिर गेंद भी डिस्टर्ब गेंद से वो स्टम्प डिस्टर्ब की लेकिन अपरूट नहीं की

की, इस डेड विकेट के ऊपर जिस पर कोई ज्यादा पेस मौजूद नहीं है यहां भी उन्होंने बाउंसर और शॉर्ट करवा के बल्लेबाजों को जरा स्कोरिंग रेट उनका रोका उनके ऊपर प्रेशर बनाया और उसके चलते उनकी विकेटें निकली लेकिन यहाँ इतना थ्रेट नहीं है देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग में में साफ और सीधी सी बात है नमस्कार दोस्तों दोस्तों जय हिंद आपने वीडियो वीडियो देखा होगा किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान और परेशान नजर आ रहा है क्योंकि बेन डकेत की इतनी खतरनाक शतक लगाया कि वह देखते ही बनता था इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान और चौकन्ना नजर आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच बुधवार को मुल्तान में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है और वहीं पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप तक 259 पे पांच विकेट पर स्कोर बनाया था वहीं पर कमरान गुलाम ने डेब्यू में कमाल का शतक जड़ा था वह पाकिस्तान की कोशिश हुई कि मौजूदा सीरीज में एक एक से बराबरी करने की होगी इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान और चौकन्ना वहीं दोस्तों आपको बताते इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 200 से अधिक रन जोड़ लिए हैं और जहां पर बेन डकित ने इतनी खतरनाक बैटिंग करी कि उन्होंने सौ से ज्यादा रन बना डाले और सोलह चौके भी मार दिए इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक की दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों जय हिंद